नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी फिश करी की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरी रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते 500। आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा किलो कतला फिश। फिश आप अपने मनपसंद यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हो। तो फिश को हम अच्छे से पहले धो लेंगे, और डालेंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम अच्छे से सभी फिश के पीसेस में हल्दी और नमक मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक मिक्सी के जार में हम ले लेंगे 6-7 हरी मिर्च। तीखा आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच काली वाली सरसों। थोड़ा सा हम डालेंगे जार में पानी, और अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे तेल, और तेल को पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डाल देंगे एक एक करके फिश। एक बारी में जितना हमारा आराम से फ्राई हो सके उतना मैंने डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके 4-5 मिनट के लिए फिश को हम पलट पलट के फ्राई कर लेंगे, जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। 2 मिनट बाद हम एक एक करके फिश को पलट देंगे। एक तरफ हमारा फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है। 2 मिनट के लिए हम दूसरी ओर भी फ्राई कर लेंगे। सभी फिश को मैंने पलट दिया है, अब हम 2 मिनट वेट करेंगे। 4-5 मिनट हो गए फिश को हमें फ्राई करते हुए। हमारा फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए निकाल लेंगे हम, और इसी तरीके से बाकी बचे भी हम फिश को फ्राई कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसी तेल में 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए, जब तक मसाले हमारा भून ना जाए। एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे, और ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए और मसाले अच्छे से भून ना जाए। 3-4 मिनट बाद टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, और आप देख सकते हो मसाले भी अच्छे से हमारा भून चुका है। साइड से तेल अलग दिख रहा है। एक बार हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और डालेंगे हम यहाँ पे सरसों और हरी मिर्च का पेस्ट। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए हम मसाले को और भून लेंगे, जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। इस तरीके से अगर हम हल्का सरसों के पेस्ट को भून के कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो देखिए लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ। 1 मिनट मसाले को और भून लिया है, आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे करीब 1 कप पानी। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। पानी की मात्रा आप उतना ही डालिएगा। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाए हम एक एक करके
यहाँ पे डाल देंगे फिश। गैस का फ्लेम अब मीडियम करके 3 से 4 मिनट के लिए हम फिश करी को पकाएंगे। हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो पैन को कवर कर देंगे हम, 4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 3-4 मिनट बाद हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, धनिया पत्ते डालने के बाद हम मिक्स करके गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। मैं इससे ज़्यादा ग्रेवी को और ड्राई नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार ये फिश करी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सिर्फ फिश करी से ही चावल खा सकते हो, दाल सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो बस धनिया पत्ते डाल के मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी फिश करी। एक बार आप खाएंगे ना, आप इसके दीवाने हो जाओगे। ये देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, खाने में आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।